जहां तक पढ़ा चुके थे बेटा, याद करो मैंने ये आपको कराया था, रिजाइन और रिकनसाइल दोनों का मैंने बताया था। कि रिजाइन का मतलब अगर त्याग पत्र देना है तब तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा, और प्रेपोजिशन क्या आया, ही रिजाइन फ्रॉम हिज जॉब। लेकिन जहां पे रिजाइन का मतलब वही निकल रहा है रिकनसाइल वाला, यानी बेमन से ही सही लेकिन सिर्फ स्वीकार इसलिए लिए क्योंकि कुछ कर तो सकते नहीं है, तब रिजाइन के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा और साथ में प्रेपोजिशन टू आएगा, टू एक्सेप्ट बिकॉज यू कांट चेंज इट। ही रिजाइन हिमसेल्फ टू हिज फेट, यानी अपनी किस्मत के आगे हार मान। चलो इतना हो गया। यस अजनीश बिल्कुल सही कर रहे हो, रिजाइन वन सेल्फ टू आपको नहीं मिलेंगे सेंटेंसेस में, इसीलिए इंग्लिश मीडियम वाले नहीं जानते इनको, तो क्वेश्चन यहां से आते हैं, है ना। इसीलिए ध्यान रखना ये सब चीजें समझो। अब आओ फ्रेज प्रेपोजिशन में, आवाज आ रही है ना, कोई इश्यू तो नहीं, ओवर का यूज नहीं कराया बेटा, रुको ना विकास, क्यों टेंशन में ले रहे हो, ओवर का यूज तो करा चुके एक, ठीक है ना, एक तो बता दिया मैंने, किसी चीज को इधर कर दो, किसी चीज के ऊपर टच में नहीं हो या एक चादर की तरह हो, बता तो चुके हैं। अब आओ फ्रेज प्रेपोजिशन, सुनो ध्यान से, फ्रेज प्रेपोजिशन का मतलब क्या होता है। कभी कभी बेटा हम किसी चीज के साथ एक प्रेपोजिशन फिक्स्ड यूज, है ना, अब उसके साथ वो मीनिंग चलो कुछ चेंज भी हो जाता है, तो अगर चेंज होता है तो फ्रेजल वर्ब में पढ़ते हैं। लेकिन कुछ फ्रेज प्रेपोजिशंस होते हैं जो फिक्स प्रेपोजिशन लेते हैं और दो शब्दों के होते हैं मिनिमम, वो आके देख लो। सबसे पहले पहला तो जो सेंटेंस पहले में हर जारी बेटा सामने से जरा पहला देखो, ये तो बेटा हर पिक्चर में सुनते हो, यू आर अंडर अरेस्ट, है ना। तो अगर हम जैसे कह दे लाइक महबूबा मुफ्ती वॉज अंडर हाउस अरेस्ट, है ना, तो अंडर अरेस्ट बोलो, अंडर हाउस अरेस्ट कहो, है ना, बात तो सेम है, ठीक है, वही तो मैं कह रही। नेक्स्ट आओ, कोई भी चीज अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन, देखो दिस बिल्डिंग इज अंडर कंस्ट्रक्शन, देख रहे हो, समझ में आ रहा है प्रपोजिशन क्या लग रहा है। अंडर ट्रायल, विचाराधीन जो कैदी होते हैं बेटा, कई मुजरिम ऐसे होते हैं जिनका, जैसे कि आप निर्भया केस तो बहुत फेमस केस था याद करो, जब तक उसका ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ, तब तक जब तक ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ तब तक भी उन लोग अंदर बंद थे, है ना, तो उन लोग क्या कहला रहे थे, अंडर ट्रायल, उसको लोग ड्यूटी बोलते हैं वहां पे, ठीक है। तो अंडर ट्रायल होते हैं जिन पर अभी कार्रवाई चल रही होती है, देखो ही इज अंडर ट्रायल एंड हैज नॉट बीन कन्विक्टेड, साउंड घी घी करता है, मतलब एक बार बेटा बाहर बैठ के देख लो तो, है ना, पर बाहर बैठ के जोर से आवाज करके सुन लो, चलो ही इज अंडर ट्रायल एंड हैज नॉट बीन कन्विक्टेड, मतलब अभी कन्विक्शन नहीं हुआ है, अभी तक इसको सजा मतलब ये तय नहीं हुआ है कि ये गुनाहगार है कि नहीं, है ना। बाय द वे एक फ्रेज यूज करते हैं बेटा हम लोग जब कुछ नया बोलना चाहते हैं ना, जैसे आगे कोई चीज है कंटिन्यू करना चाहते हैं, बाय द वे करके शुरू कर देते हैं, है ना। देखो बाय द वे यू आर लेट, देखो बाय द वे द भी आएगा और बाय भी आएगा, अगर किसी तरह का कोई माइक में इश्यू है तो मुझे बताना बेटा, क्योंकि अभी माइक का मेरा पुराना माइक टूट गया, ठीक है ना, माइक को बिल्कुल समेट के जाओ, इन्हें तोड़ेगा, इन्हें बिल्कुल नहीं मानेगा कि इन्हें तोड़ा है, अब देख लो खर्च करो या कुछ करो, सेम क्वालिटी का माइक मिलना कितना मुश्किल हो जाता है, देख लो। नेक्स्ट आओ फिफ्थ में बेटा, सुनो ध्यान से, अकॉर्डिंग टू मी, क्या प्रॉब्लम है, क्या करेंगे, चलो आवाज आ रही है, देखो अकॉर्डिंग टू मी बेटा, अकॉर्डिंग टू मी इंग्लिश गलत है, क्यों, क्योंकि वो सब लोग बोलते हैं और हम लोग भी आराम से बोलते हैं, लेकिन इन माई ओपिनियन होता है, इन माई ओपिनियन होता है, अकॉर्डिंग टू मी नहीं होता, इन माई ओपिनियन आया था स्टेनो में विक्रांत, वेरी गुड, देख लो, ठीक है, इन माई ओपिनियन होता है, अकॉर्डिंग टू मी इंग्लिश गलत है और सब लोग स्पोकन में धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं, इन माई ओपिनियन होता है, अकॉर्डिंग टू मी नहीं होता है, मेरे विचार में, इन माई ओपिनियन ही इज एफिशियंट, मेरे विचार से वो सक्षम है। अच्छा जिस तरह स्पार्किंग की आवाज होती है उस तरह से हो रही थी, अब तो ठीक हो गया बेटा, देखो कोई कहना ऑन ऑफ वाला जो माइक होता है ना, बड़ा मुश्किल से ही हमको कोई ढंग का मिल पाता है, और एक चला तो उसको खराब कर दिया लोगों ने। नहीं सुनील, अकॉर्डिंग टू मी सही नहीं मानती है एसएससी, बताया तो अभी इस लड़के ने विक्रांत ने कि एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ, अंडर ट्रीटमेंट, जैसे अभी इलाज चल रहा है तो क्या कहेंगे, ही हैज नॉट रिकवर्ड, ही इज अंडर ट्रीटमेंट, अभी उसका इलाज चल रहा है, योर लाइफ इज एट रिस्क हियर ड्यू टू कोरोना, इस लाइफ इज एट रिस्क समझते हो ना, यानी खतरे में, एट द स्पीड ऑफ, एट द रेट ऑफ, ये सब तो टेक्स्ट आदि सब लोग अच्छे से जानते ही होंगे, है ना, एट द स्पीड ऑफ, द ट्रेन इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, बेटा परसों फर्स्ट है ना, परसों सारी क्लासेस ऑफ रहेगी, मैं अपनी तरफ से तो क्लास ऑफ नहीं करना चाह रही हूँ, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली सब लोग गायब रहेंगे तो उस दिन क्लासेस ऑफ हो ही जाएगा,
आज से ही मेरे पास फोन आना शुरू हो गया। तो आप लोगों का क्लास परसों है, फिर परसों सारी क्लासेस ऑफ रहेंगे। चलो नेक्स्ट आओ, देखो जरा फ्रेज प्रेपोजिशन अभी बेटा बहुत है, जरा एक बार रीड करो, एक बार रीड करो। नहीं अजनेश, एट रिस्क तो बहुत होता है, बहुत सेंटेंस में आते हैं। नेक्स्ट सुनो, ओके। एट द रेट ऑफ, बेटा कहते हैं ना, द ट्रेन इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, है ना, एंड ऑरेंजेस आर सोल्ड एट द रेट ऑफ 100 रुपीज पर डजन। देखो ऑरेंजेस हैव बीन 100 ऑरेंजेस हैव बीन बॉट एट द रेट ऑफ रुपीज 300 अकॉर्डिंग टू, ठीक है अकॉर्डिंग टू चलता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी गलत हो जाता है ना, अकॉर्डिंग टू मी क्या होगा यार, मेरे विचार से ना, WHO के अनुसार वो तो ठीक है, लेकिन मेरे अनुसार क्या होगा, मेरे विचार से होगा ना। अकॉर्डिंग टू द WHO COVID-19 इज अ पैंडेमिक, है ना, ये महामारी है। अब पैंडेमिक होता है जो पूरे पैन मतलब ऑल, और डेमो मतलब होता है लोग, यानी सब लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है कहीं भी हो। अकॉर्डिंग के साथ बेटा टू है, लेकिन इन अकॉर्डेंस विथ है, क्या अकॉर्डिंग टू, इन अकॉर्डेंस विथ, देखो इन अकॉर्डेंस विथ योर रिक्वेस्ट आई एम सेंडिंग यू अ कॉपी ऑफ FIR, ठीक है, ओके रचना। आपका तो टारगेट 1 ओवर होने वाला है रचना, फिर मुझे कितना मिस करोगे बताओ। क्या है ये, देखो इन अकॉर्डेंस विथ योर रिक्वेस्ट, यानी कि आपके रिक्वेस्ट अनुसार, आपके निवेदन अनुसार, इन अकॉर्डेंस विथ एंड अकॉर्डिंग टू इन अकॉर्डेंस विथ। बेटा आज रात को मैं 9 बजे YouTube में 2019 का प्री कट टेस्ट पेपर डिस्कस करूंगी, और उस डिस्कशन में हम लोग ये देखेंगे कि भाई हमें पढ़ना कैसे, ठीक है। 5 महीने आपके हाथ में, जबरदस्त तरीके से तैयारी करो, और YouTube में भी मेरे बहुत सारे ऐसे सेशंस चलेंगे जो मैं आपके बैच में नहीं पढ़ा पाती बिकॉज ऑफ टाइम कॉन्स्ट्रेंट या बिकॉज ऑफ दिस वास्ट सिलेबस, है ना। तो YouTube में आओ आज रात को 9 बजे जरूर आना, और अब सीरियस हो जा बेटा, बस खाली 5 महीना है आपके हाथ में, 5 महीना जम के मेहनत करो, नौकरी हाथ में आ जाएगी। मैं आपको फ्रेंकली बताती हूँ, आप जितना डिले करोगे ना आपका कॉम्पिटिशन उतना बढ़ता जाएगा, इसीलिए आज रात को 9 बजे YouTube में KD लाइव में जरूर मिलना। मात्र 25 क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगी आपको 2019 का, अब खुद देखोगे कितना इंपॉर्टेंट है जानना कि भाई अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ किस लिए रहे हैं इतना, और एग्जाम क्या देना है हमें, ठीक है ना। बिल्कुल सफिशियंट है महिमा, बस मेरे साथ आप खाली, दिनेश जानते बेटा, दिनेश तुम लड़के हो ना, अभी जैसे जो गर्ल्स है उनका कहना है कि वी विल मिस यू, और दिनेश राजपूत का करना है कि मिल गया, वाह ये नहीं बोलो कि मुझे वो चाहिए, जानना चाहिए, दिनेश राजपूत का कहना है एक बार भी मिस को नहीं करूं। दिनेश तुम लड़के हो, मेरा बेटा भी पता है क्या, वो शो करता है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता और बिल्कुल कोई उसको किसी से प्यार नहीं है, है ना, वो अपने में मस्त है, बट इनसाइड समवेयर ही केयर्स अ लॉट। तुम्हारी यही हालत है बेटा, तुम्हारी यही हालत है, तुम भी मिस करोगे, ठीक है ना। लड़के भी प्यार करते हैं भले शो नहीं करते। अब नरेंद्र तुमको तो मैं बहुत मारूंगी बहुत मारूंगी, ये तो मुझे गोलू मोलू ही बोलता रहता है। देखो सचिन भी कह रहा है आई विल मिस यू, देखो थोड़ा अगर प्यार करते हो तो प्यार का इजहार तो करो, नहीं तो बीबी छोड़ के भाग जाएगी तुम्हारी भी, क्योंकि लड़कियों को क्या है ना बेटा, लड़कियों को प्यार का दिखावा चाहिए, दैट यू रियली केयर, उसको दिखाना पड़ता है, क्योंकि लड़कियां बहुत एक्सप्रेसिव होती है अपने फीलिंग्स को लेकर, ठीक है। और लड़के जब फीलिंग्स नहीं शो करते हैं ना, तो 1 out of 10 गर्ल्स ही होती है जो ये महसूस कर लेती है कि हाँ मुझसे प्यार करता है, अदरवाइज बाकियों को लगता है कि ये इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको कोई प्यार नहीं है, ठीक है। क्या है सचिन, चलो थैंक यू सो मच, आ जाओ ऑन बोर्ड। मैंने कहा था आपको बोर्ड करना है इस सवार होना, ऑन बोर्ड सवार हुआ पड़े होते हो तब 50 passengers वर ऑन बोर्ड, यानी 50 passengers सवार थे, है ना। एवर बोर्ड, देखो क्या ध्यान से सुनो भाई, बोर्ड ही है दोनों में, ऑन बोर्ड मतलब सवार जैसे प्लेन में ट्रेन में, एवर बोर्ड का मतलब होता है ऑनेस्ट, बताओ कोई मीनिंग नहीं निकलता, कितना डिफरेंस हो जाता है मीनिंग में। माई अकाउंटेंट इज एवर बोर्ड, मतलब मेरा अकाउंटेंट क्या है, एवर बोर्ड यानी कि भरोसे के लायक है, ऑनेस्ट है। चलो समझ में आया, जरूर मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। रिंकी तुम लोग है ना बहुत मजाक उड़ाते हो मेरा। स्टूडेंट्स मेरा नाम क्या रख दिया, देखो गोलू मोलू। तुम लोगों ने मेरा नाम गप्पू रखा हुआ है। तो तुम बता देते ना बेटा। दिनेश राजपूत कहता है कि हम लोग मिस नहीं करेंगे, मैंने कहा बेटा तुम मिस तो जरूर करोगे, तो कहता इमोशनल टच ना करो।
चलो शुरू करें बेटा। बुक की बात करोगे ना बेटा तो वॉल्यूम वन वॉल्यूम टू मोर देन सफिशिएंट है। बाकी 1000 डिटेक्टिंग एरर आपको दे चुके हैं और सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपको मुझे लगता है 2-3 दिन के अंदर सेंटेंस इंप्रूवमेंट जो 2016 तक का मेरा बना हुआ था है ना वो पूरा दे दूंगे। चलो इन वेन, देखो बेटा वेन का मैं पहले बता चुकी हूं आपको, वो क्या मैं बताया हुआ है। इन वेन का मतलब बेकार में, वेन का मतलब घमंडी। अगर मैं कहूं शी इज वेन इन वेन यानी बिना बात का घमंड खाती है ना। आई वर्क हार्ड इन वेन, अगर जब असफल हो जाते कहते यार इतना मेहनत किया बेकार में, इतना मेहनत किया। आई वर्क हार्ड इन वेन। ही इज इन डेट, बेटा डेप्थ हम लोग बोलते हैं डेप्थ, डेप्थ बेटा डेप्थ नहीं है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या पता है डेट। बी यहां पे साइलेंट है, क्या है डेट, ठीक है। नहीं बेटा फाइनल ईयर स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स का रिजल्ट मांग रहा है एक एक को, यानी परसों का मांग रहा है, कहां से कर लोगे बताओ। ठीक है हाँ मोहित बोलो। चलो इन डेट का मतलब होता है कर्ज में होना, जैसे ही इज इन डेट मतलब वो कर्ज में है, ठीक है क्लियर। विथ रिगार्ड टू, किस संदर्भ में, कि मेड इंक्वायरीज, उन्होंने इंक्वायरीज किया विथ रिगार्ड टू माई स्टाफ, जैसे मैंने अपना स्टाफ रखा है पुलिस आई वेरिफिकेशन के लिए, तो वो क्या कहेगी, वो कुछ इंक्वायरीज करेगी किसके संदर्भ में, विथ रिगार्ड टू माई स्टाफ, विथ रिगार्ड टू द कैरेक्टर ऑफ माई स्टाफ। समझ में आया, देखो। हाँ बेटा लॉकडाउन में ये सबसे अच्छी बात हुई है कि तुम लोग के साथ कनेक्ट हो गई मैं। आयुष सेंटेंस इंप्रूवमेंट बेटा वही है जो डिटेक्टिंग एरर है, मैं आपको प्रीवियस टेस्ट पेपर्स इससे तो बुला रही हूँ। अभी मैंने कहा ना आपको कि आप लोग आओ यूट्यूब में भी, यूट्यूब में मैं बहुत सारा पोर्शन ऐसा कराऊंगी जो आप लोग को नहीं करा पा रही हूँ क्लास में, है ना। इसीलिए सीईटी भूल जाओ सचिन रचना, सीईटी भूल जाओ, मैंने पहले कहा था ये सीईटी सीईटी करके एक डेढ़ महीना तक सबने पागल बनाया, ठीक है। समीर आईबी का टियर टू, थोड़ा सा रुक के रुक जाओ अभी। इन कनेक्शन विथ, देखो विथ रिगार्ड टू और इन कनेक्शन विथ दोनों सेम है मीनिंग, लेकिन विथ रिगार्ड टू और कनेक्शन हो गया तो इन कनेक्शन विथ, द पुलिस इज सर्चिंग हिम इन कनेक्शन विथ अ क्रिमिनल केस, पुलिस उसको खोज रही है, ठीक है ना, किसके लिए, किसी कनेक्शन किसी क्रिमिनल केस से रिलेटेड। मेरा नंबर 8 को रिजल्ट आ गया, बिल्कुल सही है, रिंकी कर दो। विकास नहीं बेटा इसमें कोई वीओडी नहीं मिलेगा आपको, इसलिए तो कह रही हूं मैं। एक मिनट रुकना, छोटा सा चेंज करूंगी मैं इसमें। नरेंद्र ये सब क्या फालतू काम करे बेटा, है ना। नरेंद्र न्यूज़पेपर में एरर्स रहते हैं, न्यूज़पेपर के एक ग्रामर के पर एकदम टोटली भरोसा मत करना, ठीक है। चंचल बात तो सही है, क्योंकि सब लोग दिल्ली अफोर्ड नहीं कर सकता यार, दिल्ली सबसे मेन चीज है, अगर अफोर्ड कर भी सकते हैं ना तो लड़कियों को नहीं भेजते, है ना, अफोर्ड कर भी सकते तो लड़कियों को नहीं भेजते, और आधा पॉपुलेशन तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता दिल्ली भेजना, बात सही है। नेक्स्ट आओ अंडर ऑब्जर्वेशन, कभी भी कोई व्यक्ति बहुत सीरियस होता है ना तो डॉक्टर क्या कहता है, ही इज अंडर ऑब्जर्वेशन, द पेशेंट इज सीरियस एंड अंडर ऑब्जर्वेशन, इसका मतलब उस पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। देखो नेक्स्ट आओ, देखो 19-23 एक बार देखो तो फटाफट। नागराज नहीं पता बेटा, ये चीज बिल्कुल पता नहीं है कि क्वालिफिकेशन का डेट चेंज कर सकता है क्या। इन रिलेशन टू, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड लिटरेचर इन रिलेशन टू हिस्ट्री, जैसे कई बार ऐसा होता है आप जैसे जूलियस सीजर मैकबर्थ उसके बारे में जब रोम में पढ़ा जाता है ना तो वहां का जो लिटरेचर होता है उसको हिस्ट्री से रिलेट करके कुछ पढ़ा जाता है, ठीक है ना। तो वैसे ही देखो, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड लिटरेचर इन रिलेशन टू हिस्ट्री, ठीक है। सुनील आर्या बेटा सबसे पुराने इंग्लिश की टीचर हूं मैं यहाँ पे मुखर्जी नगर में, इसलिए यू कैन ट्रस्ट मी, और मैंने जो पढ़ाया है वो चीज आप एक बार देखना प्रीवियस क्वेश्चन, जैसे आज मैं एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगी, क्या जो पढ़ाया है वो काम की चीज है, आके देखो रात में। आउट ऑफ ऑर्डर खराब होना, द लिफ्ट इज आउट ऑफ ऑर्डर फॉर एजेस, सालों साल वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग दिवाली फॉर एजेस, हम सालों साल से लंबे समय से दिवाली मनाते आ रहे हैं। बाई मिस्टेक, देखो बाई मिस्टेक कहते हैं बेटा, बाई अ मिस्टेक नहीं कहते, है ना, बाई अ मिस्टेक मत करना, ठीक है। I sent this message by mistake. ये मैसेज मैंने गलती से भेज दिया। जब आपके पास बुक्स खत्म हो जाते हैं तो क्या लिखा रहता है, कहते हैं कई बच्चे बुक मैसेज करते हैं मैम बुक आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है, आउट ऑफ स्टॉक का मतलब होता है कि अब स्टॉक में यानी हमारे गोडाउन में अब नहीं है ये, ठीक है ना, क्लियर। देखो ये सारा फ्रेज प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट पेज एक बार देखो फिर बताते हैं। हर्षित टैटू तो बेटा प्रॉब्लम देता है कुछ कुछ पोस्ट में, ठीक है विक्रांत आप टारगेट 2 के बाद दो। नरेंद्र तुमको बहुत मारूंगी मैं, मैंने कहा सबसे पुरानी टीचर यहाँ का लिखा मुगल के जमाने की इंग्लिश की पूरी बादशाह है, इतना कमीना ये लड़का को देखो जरा। नाउन नहीं, कहाँ नाउन चेक करके दिया है, लेकिन नाउन जो था देखो एक बार चेक करो,
कल ही तो नाम पढ़ाया। आयुष मैं समझती हूँ बेटा, तभी तो मैं कह रही हूँ अब मेहनत करो, क्योंकि वैकेंसी का कुछ पता नहीं कब क्या होगा, कितना क्या जाएगा, ठीक है? कहाँ किसी का एजेंडा ही नहीं है, नौकरी कोई एजेंडा ही नहीं है। फॉर श्योर, निश्चित ही शी इज इन प्रॉब्लम फॉर श्योर। मत लो किसी को आपने फोन किया, वो थोड़ा टेंशन साउंड कर रही है, हालांकि हमेशा बहुत खुश रहती है, तो क्या कहोगे? आई फील शी इज इन प्रॉब्लम। नहीं तो कहेगी क्या, शी इज इन प्रॉब्लम फॉर श्योर, है ना? एक्सेप्ट फॉर, कुछ छोड़कर। This book is good. ये किताब बहुत अच्छी है, अगर मैं कहूंगी this book is excellent, except for some typographical mistake. बेटा typographical का मतलब समझ लो, typing. Typographical mistake का मतलब होता है typing mistake. नहीं, by the mistake नहीं कहते राहुल, उसमें आर्टिकल लगाओगे तो गलत होगा, ठीक है ना? क्लियर? तो क्या कहेंगे, दिस बुक इज गुड, या कुछ टाइपोग्राफिकल मिस्टेक्स को छोड़कर ये बुक अच्छी है। शी लेफ्ट इंडिया फॉर गुड, देखो idioms and phrases में आया हुआ है फॉर गुड, मतलब फॉर गुड का मतलब होता है हमेशा के लिए, अच्छा के लिए नहीं, अच्छे के लिए नहीं, हमेशा के लिए। शी लेफ्ट इंडिया फॉर गुड का मतलब होता है परमानेंटली यहां से शिफ्ट कर गई वो। For granted मतलब बिना महत्व समझे, जैसे आप अपने पेरेंट्स को क्या करते हो, यू टेक देम फॉर ग्रांटेड, इट टुक हिज वाइफ फॉर ग्रांटेड, शादी की है तो इतना तो करना ही पड़ेगा, लात मार के छोड़ दोगी, छोड़ देगी वाइफ, तो क्यों? बिकॉज इट टुक हिज वाइफ फॉर ग्रांटेड, फॉर द सेक ऑफ, के वास्ते, कहते ना फॉर द सेक ऑफ गॉड, फॉर द सेक ऑफ पीस, डू नॉट फाइट जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी, सिर्फ पैसे के वास्ते लड़ाई मत करो। देखो क्लियर? नेक्स्ट आओ, देखो तुम विकास, मैं वही तो कह रही हूँ बेटा, मैं आपको मिक्स कराऊंगी उसमें, कभी पैसेज कराऊंगी, कभी क्लोज टेस्ट, कभी वो क्या, तो आप उसमें रेगुलर रहो, क्योंकि अब 5 महीना जो है ना वो मुझे सभी बच्चों से, क्योंकि पुराने बच्चों से कनेक्ट रहने का बस एकमात्र तरीका है यूट्यूब, तो आप लोग भी उसमें कनेक्टेड रहो मेरे साथ। बाय द मिस्टेक नहीं कर सकते राहुल, बिल्कुल नहीं कर सकते। चलो, इन लियू ऑफ का मतलब क्या, सुनो ध्यान से। मान लो रेंट नहीं दे पाया तो लैंडलॉर्ड को उसने अपना मोबाइल दे दिया, अपना बाइक दे दिया, he surrendered his mobile in lieu of the pending rent. रेंट नहीं दे पाए तो उसने अपना बाइक सरेंडर कर दिया, ये जगह पे, के स्थान पर, ऑन बिहाफ ऑफ, जैसे मैं नहीं जा पाई तो मैंने अपने किसी कंपनी के हेड को भेज दिया, इसके लिए मेरी जगह पे, आई वेंट टू कलेक्ट द पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ माई सिस्टर, देखो के स्थान पर, है ना? कई बार देखते हो कोई अवार्ड सेरेमनी होता है तो कहते हैं his wife has come to collect the चेक ऑन बिहाफ ऑफ सो एंड सो। विक्रांत जानते बेटा, वो सब फंडा रहता है यूट्यूब में अपने व्यूज बढ़ाने का, क्या कर सकते हैं? इन नो वे, बिल्कुल भी, किसी भी तरीके से नहीं। इन नो वे कैन वी अलाउ करप्शन टू फ्लरिश, किसी भी हाल में हम करप्शन को बढ़ावा नहीं दे सकते। एक चीज देखो ध्यान से, इन नो वे शुरुआत में आया, ये आप इन्वर्जन में भी पढ़ोगे, जब आगे आएगा ना ये, तो उसके बाद आप देखोगे कि इन्वर्जन आता है, वी कैन अलाउ नहीं है, कैन वी अलाउ, देखो इसीलिए इस तरह का आप पढ़ोगे, इन नो वे, ऑन नो कंडीशन, ऑन नो अकाउंट, इन सब में इन्वर्जन यूज होता है, ऑन नो कंडीशन, ऑन नो अकाउंट, ये तीनों का मतलब सेम है। ऑन नो कंडीशन आई शाल, नहीं है शाल आई लेट यू कम इन, किसी भी हाल में मैं तुम्हें अंदर आने नहीं दे सकता। एंड ऑन नो अकाउंट लेट हिम नो वी आर हियर, किसी भी तरीके से उसे मालूम ना पड़ना चाहिए कि हम लोग यहां है। 5 महीने के बाद बेटा एसएससी सीजीएल 2020 का एग्जाम है, 29th से शुरू हो जाएगा, 29th मई से। साक्षी, डॉक्टर आकृति बेटा मेरी बड़ी बहन की बेटी है, डिस्क्रिप्टिव के लिए नरेंद्र आप एक सीएचएसएल का बैच चल रहा है वो ले लो, ठीक है? चल शुरू करें। ऑफ एज याद रखना, क्वेश्चन आया था, यू आर डैश एज, यू कैन मैरी एनीवन यू वांट, यू आर डैश एज में इन एज, अबाउट एज कुछ भी नहीं होगा, यू आर ऑफ एज होगा। क्यों? कह रहा है तुम जिससे चाहो शादी कर सकते हो, इसका मतलब कि तुम्हारी उम्र इतनी हो गई है कि कानूनी रूप से तुम जिससे चाहो शादी कर सकते हो, वही है ऑफ एज, कानूनी रूप से उस उम्र का। नाउ यू आर ऑफ एज, यू कैन मैरी एनी वन ऑफ योर चॉइस। देखो अगर थोड़ा सा भी समझोगे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, आपको महसूस होगा कि मेरे जो एग्जाम्पल्स भी है ना वो प्रीवियस ईयर से ही प्रेरित है। विक्रांत कोई नॉवल नहीं बेटा, अभी बस अच्छे से 5 महीना तैयारी करो। अब हम नेक्स्ट पोर्शन में आ रहे हैं, और ये पोर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्यों? क्योंकि बेटा इनको अंग्रेज नहीं पढ़ते, ये हम सिर्फ हिंदुस्तानी पढ़ते हैं। उसका रीजन क्या है कि हम हिंदी में इन शब्दों के साथ प्रेपोजिशन लगा देते हैं, और क्यों लगाते हैं वो मैं दिखाऊंगी, ठीक है? लेकिन इंग्लिश में कोई प्रेपोजिशन ही नहीं आता, तो हम इंडिया वाले ही खाली पढ़ते हैं इसको। नहीं, ऑफ एज का मतलब होता है उस उम्र का जो लीगली अलाउड है। अच्छा, तुम्हें अब गुरप्रीत मैम का पता चाहिए बेटा, तो वो तो मुझे नहीं पता केडी लाइक किया। This all phrases meaning, Nagraj. तुम तो इंग्लिश में बोल रहे हो लिखने, अब बाई मिस्टेक का इंग्लिश में क्या लिखूं, आउट ऑफ स्टॉक का क्या लिखूं? चलो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा कि नॉट इन वर्किंग कंडीशन,
आपका मीनिंग नहीं लिखा जा रहा है क्योंकि वर्ड ही बहुत आसान है। रिंकी वॉल्यूम वन एंड वॉल्यूम टू देख लो बेटा, बाकी मैं आपको बहुत सारा यूट्यूब में कराते रहूंगी। ये 5 मंथ्स बहुत क्रूशियल है बेटा, ये 5 मंथ्स क्लासेस मिस मत करना यूट्यूब वाले भी। आप लोग का एक बहुत सिस्टमैटिक तरीके से मैंने प्रिपेयर करा दिया, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से। अब बच गया जो इधर उधर की खुदरा चीजें हैं, वो मैं आपको यूट्यूब में करा दूंगी। यस विकास, मैं झारखंड से हूं बेटा, पहले तो बिहारी था। नो इश्यू नागराज, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग फ्रॉम द सेंटेंसेस। अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट का मतलब होता है विक्रांत, कुछ हद तक। चलो देखो ध्यान से, वी यूज प्रेपोजिशन विद सर्टेन वर्ब्स जस्ट बिकॉज वी आर हैबिचुअल ऑफ ट्रांसलेटिंग द सेंटेंस। वी विल नॉट यूज एनी प्रेपोजिशन विद द फॉलोइंग वर्ब्स इन एक्टिव वॉइस। क्या कह रहा है कि हम प्रेपोजिशन का प्रयोग कुछ वर्ब्स के साथ सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हम वाक्य का अनुवाद करने की आदत है। हम एक्टिव वॉइस में वर्ब्स के साथ जो नीचे दिए गए वर्ब्स है उनके साथ हम प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। बेटा भूलोगे वो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो धीरे धीरे दिमाग में रहता है, बैठ जाएगा धीरे धीरे। अब सुनो, ये क्यों मैं कह रही हूं कि हम लोग हिंदी मीडियम वाले ही इनको पढ़ते हैं और जो इंग्लिश में सोचते हैं वो कभी पढ़ेंगे नहीं इस पोर्शन को, क्योंकि हिंदी में ऐसे सोचते हैं हम लोग। पर जोर देना, पर जोर देना, जोर देना मतलब स्ट्रेस या एम्फेसाइज, और पर के लिए हम ऑन लगा देते हैं। हमारी आदत होती है सोचना क्या कि पर, एक सेकंड बेटा, हमारी आदत होती है सोचने की अच्छा हमने करेक्ट इंग्लिश पर जोर दिया तो आई एम्फसाइज्ड ऑन द यूज ऑफ करेक्ट इंग्लिश। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी तो आई विल गो विथ यू, अरे गो विथ मिलके कंपनी हुआ है तो कई लोग कहते हैं आई विल एकंपनी विथ यू, है ना। उसके बाद कहते हैं कंप्राइज के साथ ऑफ। ये सब जनरल मिस्टेक्स है जो हमारी आदत है करने की, हमारी आदत है करने की। रीजन भाई इसलिए आदत है करने की क्योंकि हम हिंदी में सोचते हैं। भाई खुद सोचो, जब कम विथ या गो विथ मिलके एकंपनी बना है तो एकंपनी के साथ विथ कहां से आएगा। जब कंसिस्ट ऑफ मिला तब कंप्राइज बना है तो कंप्राइज के साथ ऑफ कहां से लगा दोगे एक्टिव वॉइस में। कहते हैं द पुलिस इज लुकिंग इन टू द मैटर, द पुलिस इज लुकिंग इन टू द मैटर तो कह देते हैं द पुलिस इज, अरे द पुलिस आर होगा, इन्वेस्टिगेटिंग इन टू द मैटर। भाई लुक इन टू का मतलब जांच पड़ताल करना होता है, वो मिलकर इन्वेस्टिगेट बना है तो इसके साथ इन टू कहां से लगाओगे। मैं तुम्हें अपने भाई के जैसा मानती हूं, आई कंसिडर यू एज माई ब्रदर। भाई कंसिडर का मतलब है की तरह मानना, तो फिर एज कहां से आएगा। इसीलिए कुछ नहीं, आपको सिर्फ ये वर्ब्स देख रहे हैं और इसके बाद का मैं आपको दे रही हूं। ओके ऋषभ, मैंने कहा ना बेटा अब पैसिव वॉइस है विक्रांत, वहां पे बाई पैसिव वॉइस में आ जाता है। अब देखो वायलेट, वायलेट का मतलब उल्लंघन करना, डिस्कस इज लाइक कोई भी चीज को डिस्कशन करते हो, विचार करते हो, परवेड इज टू कम इनटू और गो इनटू, या यू कैन से इन्फ्यूज, प्रोसीड, प्री आ रहा है इसका मतलब पहले आना, रीच, ऑर्डर, टेल, डिमांड, कंट्रोल, डिस्क्राइब, रिडिक्यूल मजाक उड़ाना, रिडिक्यूल का मीनिंग भी आता है एसएससी में, मॉक, टू डिराइड याद रखना, सक्सीड, प्रिसीड का उल्टा सक्सीड होगा तब कोई प्रेपोजिशन नहीं आता, इनवेड जब कोई भी, जैसे कोई किंग किसी दूसरे कंट्री में इन्वेड करता था, है ना, अभी जैसे चाइना चाहा इन्वेड करना इंडिया पे, रेसिस्ट, अटैक, रिजेंबल, एंटर, देखो ये सारे ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ हम जबरदस्ती लगा देते हैं। हर्षित बेटा एक बार चेक करो क्योंकि मुझे नहीं लगता है कैग में ऐसा कोई प्रॉब्लम है। हरियाणा में राजदीप, हमारे 2 ब्रांचेस है बेटा वहां पे, एक तो है हिसार में एक है रोहतक में, लेकिन अभी दोनों क्लोज्ड है। चलो इस शिव इसका मतलब जानबूझकर कुछ करने से बचना, डायरेक्ट, ज्वाइन, साइन, साइन बेटा वर्ब है। अब क्यों साइन लगाया, भाई हिंदी मीडियम में क्या सोचते हैं हम, इस पेपर पर साइन करो, इस पेपर पर साइन करो, ओके साइन ऑन दिस पेपर, पर बोला तो ऑन याद रखना जरूरी है। वो बस पर चढ़ गया, ही बोर्डेड ऑन द बस, भाई बोर्ड का मतलब ही होता है सवार होना उस पर, तो बोर्ड के साथ ऑन क्यों आएगा। यानी ये ऐसे वर्ब्स है जिनके साथ प्रेपोजिशन वही लोग लगाते हैं जो हिंदी में सोचेंगे।
यस आयुष, मैं आपका मैसेज को क्लिक करके भेज दिया आगे बेटा। चलो अब मैं जो आपको कराना चाह रही हूँ बेटा, आंसर मत देखना, पहले इसको करो, मैं समझाऊंगी आपको। चलो बेटा, रोहतक में है, वहीं पर तिकोना पार्क में बेटा, लेकिन अभी क्लोज्ड है ना। आयुष, उनका कहना है कि आपके मोबाइल पे हिंदी फॉन्ट मिसिंग है। चलो हो गया, he accompanied, कुछ नहीं, he accompanied me. You must control your children, कहते हैं अपने बच्चों पर काबू करिए, है ना, कुछ नहीं, अपने बच्चों को काबू करिए, control to, control on, कुछ भी नहीं। क्यों बेटा, जब verb होता है ना तब कुछ नहीं आएगा। अगर आप noun के sense में लगाओगे, have यहाँ पे verb है, some के बाद noun है, यहाँ पे आएगा हिंदी के अकॉर्डिंग, have some control on your children, यहाँ चलेगा। यानी जहां मैंने जो लिखवाया है that is exactly verb. अगर उनको वर्ब के रूप में इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि सब तो नाउन बन भी नहीं पाएगा उसमें, लेकिन अगर नाउन के रूप में इस्तेमाल करोगे तो ये नियम लागू नहीं होता। ठीक है, चलो बनाते जाओ तो फटाफट, अनलेस अंटिल विक्रांत आप कंजंक्शन में पढ़ते हो। रचना, वन ईयर तक है बेटा आपका। स्वाति, रात को 11:15 डिस्क्रिप्टिव का एक बैच चल रहा है, 3 days a week ये चसल का। हो गया, चलो देखो ध्यान से। ओके आयुष, मैं देखती हूं, ही स्ट्रेस्ड या एम्फसाइज्ड। ओके, वर्ब के रूप में है, स्ट्रेस और एम्फसाइज के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा। जेनरिक मेडिसिन का यूज पर उसने जोर दिया, लेकिन ये एम्फसाइज में ई आता है, एम्फसिस में नहीं आता। अब हम नाउन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, ही लेड, वर्ब तो हमारा ये हो गया, ही लेड स्ट्रेस ऑन द यूज ऑफ। ओके, स्ट्रेस नाउन भी है, स्ट्रेस वर्ब भी है, स्ट्रेस वर्ब भी है और स्ट्रेस नाउन भी है। नाउन के सेंस में आप वो जो हिंदी में सोचते हो वो देख सकते हो, ठीक है ना। आई विल डिस्कस, कुछ नहीं, द प्रॉब्लम एंड विल डिस्क्राइब द कॉन्सिक्वेंसेस। डिस्कस और डिस्क्राइब के साथ, याद करो, लिस्ट में था, कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा। फिर हम क्या सोचते हैं, मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगी, डिस्कस अबाउट, आप उसके बारे में कुछ विस्तार में बताइए, डिस्क्राइब अबाउट द इंसिडेंट, गलत हो जाता है। पुलिस इन्वेस्टिगेट, मैंने कहा था इन्वेस्टिगेटेड के साथ कुछ नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि लुक इन टू इज इक्वल टू इन्वेस्टिगेट। He boarded the bus, क्या आएगा आपके पास, he boarded on the bus. They demanded their rights, कुछ नहीं होगा। कई लोग कहते हैं demanded for आएगा, भाई ask for, मिल के demand बना, तो demand के साथ for कहां से ले आए। हाँ, जहां noun है demand, कैसे पता noun है भाई, ये article लगा है, the demand for a referendum increased subsequently, यानी referendum का demand धीरे धीरे बढ़ने लगा। He attacked her, कुछ नहीं होगा, क्यों, attack अगर verb है उसके साथ कोई preposition नहीं आएगा, तो क्या attack के साथ on आ सकता है, पता नहीं, देखो आप आगे, ठीक है। मैं दिखा दिया भाई, ask for is equal to demand, तो for कहां से आएगा, get on to is equal to board, फिर on कहां से आएगा, है ना। चलो आगे बनाओ, तो lead का मतलब बेटा रखना, मतलब उस पर देना।
An attack dash her has been reported. An attack on her. बिल्कुल सही, क्यों भाई? यहाँ पे एन बता रहा है कि आर्टिकल बता रहा है कि नाउन है. कैसे पता चलता है नाउन का? भाई आर्टिकल के साथ आएगा नाउन, उसके बाद प्रेपोजिशन के बाद आता है ना, इसीलिए ध्यान रखना अटैक के साथ ऑन आ सकता है बशर्ते वो नाउन के रूप में हो तो. यू रिजेंबल योर मदर, कैसे भाई? लुक लाइक योर मदर चलेगा, तो इसीलिए लुक लाइक इज इक्वल टू रिजेंबल. अब रिजेंबल के साथ लाइक जो लगा देते हैं वो गलत करते हैं बेटा. ही साइंड द पेपर, साइन ऑन द पेपर नहीं होगा. ही बोर्डेड द बस एंड ही डिबोर्डेड द बस, उतर गया चढ़ गया. 50 पैसेंजर्स वर ऑन बोर्ड, अभी तो बताया था सवार है तो ऑन बोर्ड. आई रीच्ड होम, आई रीच्ड द स्टेशन, आई रीच्ड माई ऑफिस, कुछ नहीं. लेकिन हाँ, वी रीच्ड एट एन एग्रीमेंट. क्यों भाई? यहां पहुंचने की बात नहीं है, यहां पे एग्रीमेंट होने की बात है, मीटिंग ऑफ माइंड की बात है, कोई डेस्टिनेशन नहीं पहुंच रहे हो. ठीक है, वी रीच्ड एट अ कंक्लूजन. I consider you my brother. Consider के साथ as मत लगा देना. This play comprises three acts. तीन अलग अलग act होंगे इस play में. Comprise के साथ of मत लगा देना. कब? Active voice में बेटा, passive voice में आता है of. चलो आगे देखो, बोलो. Name elect. Thing consider. Call appoint. Make and choose. इनके साथ as या like नहीं होता. देखो कोई problem है तो बताओ. रचना एक आई हुई है बेटा. रुको मैं आज चेक करके है ना उसको अपडेट करती हूँ, आपको फेसबुक में डाल दूंगी मैं. 63 नंबर पेज. नेम इलेक्ट, थिंग कंसिडर, कॉल अपॉइंट, मेक एंड चूज. मेक भी लगा देते हैं. क्लियर? अब नेक्स्ट पोर्शन में आ रहे हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में. इसमें प्रेपोजिशन 16 समझ में नहीं आया बेटा. 50 पैसेंजर्स वर ऑन बोर्ड, अभी तो कहा था आपको फ्रेज प्रेपोजिशन ही तो लगा दिया है. ऑन बोर्ड एवर बोर्ड पढ़ाया था ना अभी. ऑन बोर्ड मतलब सवार, एवर बोर्ड का मतलब होता है ऑनेस्ट. अभी तो जो पढ़ाया बस वही दे रही हूं मैं. चलो अब एक काम करो, छोड़ो इसको 64 से, इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग. जो वो क्या कर रहे थे पहले वो कर लें. स्वाति, डीडीए पटवारी एग्जाम में 18 आंसर सही है मेरे 20 में. वाओ वेरी गुड. 20 समझ में नहीं आया बेटा. 20 बेटा, मैं इसको वर्ब, बेसिक वर्ब में भी कराया हुआ है. प्ले का मतलब होता है नाटक. आप अगर नाटक देखे हो ना उनका, शेक्सपियर का, उसके अलग अलग एक्ट्स होते हैं, करीबन 4 या 5 भाग में होते हैं. ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये नाटक 3 भागों का है. ठीक है, उसके एक्ट्स कहलाते हैं वो. तो कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगा देना, एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में हो जाता है. ठीक है, चलो हम लोग वोकैब में कहां थे जरा देखो. तो 16 नंबर वोकैब में थे शायद. सेप्टुजेनेरियन का मैंने कुछ लिखवाया था, एक बार मैं जरा देख लूं. जेनेरियन वाज बिटवीन 10 19 इयर्स ओल्ड. वाइसनेरियन सुपर सेंटेनियन. देखो तुम जो उस दिन आप लोगों को बोर्ड में लिखवाया था बिल्कुल सही हुआ है कि नहीं. कंप्राइज इज अ वर्ब बेटा.
आप लोग देख लेना, ये आपके पास आ गया होगा, नहीं आया तो मैं भी भेजवाऊंगी आपको। जो लास्ट क्लास में नहीं कराया था मैंने 72-79 इयर्स का, यस विकास तभी तो दिया बेटा, और क्वेश्चन आया है तभी तो आपके शीट में आ गया है, ठीक है। चलो 30 से आओ, 30 से लेके एक बार 34 तक देखो तुम। गुड स्वाति, बहुत अच्छी बात है रचना, मोस्ट वेलकम। सुपर सेंटेरियन हिंदी मीनिंग गलत है, एक सेकंड देखने दो मुझे, सुपर सेंटेरियन का हिंदी मीनिंग गलत लिख दिया क्या? सुपर सेंटेरियन 10 वर्ष या अधिक, 4 इयर्स अरे 10 इयर्स होगा, ओके इसमें ये गलत कर दिया, 110 वर्ष या अधिक ये होगा। आ जाओ नेक्स्ट देखो बेटा, प्रिक्लूड, कोई भी चीज करने या होने देने से आप जब उसमें बाधा उत्पन्न करते हो ना तो हम वर्ब यूज करते हैं प्रिक्लूड। सो ही प्रिक्लूडेड द हैपनिंग ऑफ द इंसिडेंट, यानी उस इंसिडेंट के होने से रोका, प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग और प्रिवेंट समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, ये ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट एक वर्ड है प्रोडिजी, ये उस बालकों के लिए इस्तेमाल होता है जो देखते हो कभी कभी टीवी में, 6 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा जीके का क्वेश्चन पूछ रहा है, वो जवाब देता जा रहा है, ऐसे विलक्षण जो बालक होते हैं वो इज अनयूजुअली गुड एट समथिंग, उनको हम प्रोडिजी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आओ ब्लो हॉट एंड कोल्ड, ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब क्या है, कभी गर्म हो रहे कभी ठंडे हो रहे, यानी कुछ पता ही तुम क्या करोगे। जैसे मायावती को देखो, ममता बनर्जी को देखो, कभी भी वो कभी कुछ बोलती है कभी कुछ, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ममता बनर्जी से बहुत दबा रहते थे क्योंकि वो एक तो सपोर्ट भी करी थी गवर्नमेंट को, आर्म ट्विस्ट भी बहुत करती थी, वैसे मायावती अखिलेश के साथ गई फिर कही कि नहीं अखिलेश के कारण हम इलेक्शन हार गए। इसका मतलब क्या है कि दे जस्ट ब्लो हॉट एंड कोल्ड, इनका कुछ समझ में नहीं आता है इनका जो मूड है कब ऑल्टरनेट कर जाए, यानी कब वो चेंज हो जाए, दो अलग अलग विचार के बीच बार बार परिवर्तित होना, लाइक अखिलेश नाउ डज नॉट वॉन्ट टू टाई अप विद मायावती बिकॉज शी ब्लोस हॉट एंड कोल्ड। नेक्स्ट आओ हुक लाइन एंड सिंकर, मतलब आई वॉज डिसीव्ड हुक लाइन एंड सिंकर, भाई एकदम सीधे सीधे से पूरी तरह से धोखा मिला है, अगर आप बोलना चाहते तो कैसे बोलोगे, आई वॉज डिसीव्ड हुक लाइन एंड सिंकर, पूरी तरह से कंप्लीटली डिसीव्ड, और ट्रक डिसीव्ड लगा देना, कंप्लीटली डिसीव्ड, ठीक है। नेक्स्ट आओ कास्ट एस्पर्शन, अगर आप किसी के बारे में कुछ गलत बोल रहे हो तो मैं क्या कहूंगी, प्लीज डू नॉट कास्ट एस्पर्शन ऑन हिज कैरेक्टर, इसका मतलब है टू से हार्श एंड क्रिटिकल थिंग्स अबाउट समवन, किसी के बारे में गलत बोलना, ठीक है, क्रिटिकल यानी क्रिटिसाइज करना। देखो क्लियर, क्लियर। नेक्स्ट आओ 35-41 देखो पहले फटाफट, तो पोएटिक जस्टिस, बेटा पोएटिक जस्टिस क्या होता है, आप देखते हो पोएम्स में हो या स्टोरीज में हो, हमेशा एक जस्टिस देखोगे कि जिसने बुरा किया उसके साथ बुरा हुआ, अब लाइफ में ऐसा हो या ना हो पता नहीं, लेकिन पोएम्स में या स्टोरीज में हमेशा वही होता है। यानी पोएटिक जस्टिस क्या है, जब किसी के साथ कुछ बुरा हो या आपको लगे वह इसी के लायक है, इन विद इन सिचुएशन इन विद समथिंग बैड हैपेंस एंड यू फील दैट दिस इज व्हाट ही डिजर्व्ड। जैसे एक बार कोर्ट में एक केस चल रहा था, ठीक है ना, तो उन्होंने जो वकील ने बताया कि ये जो एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड आज नहीं आ सकता क्योंकि उसके लाइफ उसके फैमिली में कुछ इंसिडेंट हो गया है, तो इंसिडेंट का उसका कहने का मतलब था कि उसके घर में जो हुआ था ना डकैती हो गई थी और उसमें उसकी वाइफ और उसकी माँ दोनों मतलब लगभग मर ही चुके थे एक तरह से देखा जाए तो, मतलब बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में पड़े हुए थे। तो उसका ये कहना था, जज ने जो कहा पोएटिक जस्टिस, मैं तो थोड़ा सा चौंक गई कि बोला क्या इसने,
क्योंकि मैं तो समझ रही थी पोएटिक जस्टिस का मतलब ये तो बहुत हार्श कमेंट हुआ ना, है ना, ये तो बहुत हार्श कमेंट हो गया कि ठीक है बदमाश है तो उसके साथ वैसे ही हुआ जैसा उसने दूसरे के साथ किया था, लेकिन कोर्ट में किसी को समझ में नहीं आया। ठीक है, तो पोएटिक जस्टिस का मतलब क्या है, जब आप ऐसी बात बता रहे हो जैसे कि उसके साथ ठीक हुआ, उसने जैसा किया दूसरों के साथ वैसे ही हुआ है, क्योंकि पोएम्स में और सब जो कहानियां होती है उसमें हमेशा एंड में एक जस्टिस होता है, भले रियल लाइफ में जस्टिस हो या नहीं, है ना। टिप ऑफ द आइसबर्ग, बेटा याद रखना टिप ऑफ द आइसबर्ग का मतलब क्या है, एक आइसबर्ग जो होता है ना ऊपर से सिर्फ इतना सा दिखता है, पीछे कहते हैं कि उसका 9 भाग तो नीचे होता है, इसलिए कोई समस्या अगर थोड़ा सा आपको दिख रहा है भाई ये तो बस अभी शुरुआत है, यू हैव सीन जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, पूरी समस्या तो अभी बाकी है, है ना। तो टिप ऑफ द आइसबर्ग का मतलब क्या, किसी बड़ी समस्या का छोटा सा भाग। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आओ रैंक एंड फाइल, क्या मीनिंग है रैंक एंड फाइल का, आम लोग रैंक एंड फाइल सफर्ड ड्यूरिंग लॉकडाउन, बड़े लोगों का कुछ नहीं हुआ, है ना। आम लोग जिसको कहोगे रैंक एंड फाइल, इसका मतलब होता है आम लोग, देखो द ऑर्डिनरी मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और ऑफ अ कंट्री भी चलता है। ठीक है, ईगर बीवर, यार देख के तो जाया करो, अपने पास रखते हो समेट के। रचना प्रोनंसिएशन बोल रहे बेटा, प्रोनंसिएशन धीरे धीरे ही ठीक होता है, वो कहीं तुम्हारे पास आधा अधूरा काम करके लेके आते हो। ईगर बीवर, बेटा ध्यान सुनो, जब आप कोई कंपनी में काम करते हो देखोगे कुछ कुछ नए नए लोग होंगे जो बहुत ईगरली जो काम दिया जाएगा उसका 10 गुना काम करके बैठ जाएंगे खुशी खुशी, कहोगे यार इस तरह की ईगर बीवर के कारण हम लोग की नौकरी हमेशा खतरे में रहती है। क्यों, व्हाट इज ईगर बीवर, मेहनती व्यक्ति जो अपने काम को लेकर बहुत उत्साहित होता है। ठीक है, एक बार मेरी भतीजे की वाइफ ने एक अपने फेसबुक में शेयर किया था, आई कैन रिलेट, और उसमें उसने क्या किया था ना, उसमें जो वीडियो शेयर किया था उस वीडियो में था कि एक आदमी मोटा सा आदमी एक बॉल फेंका और वो बॉल गया जाके सीधा स्विमिंग पूल में, और उसका एक कुत्ता है बिल्कुल उछलता कुत्ता गया और जाके उस बॉल को उठा के लाके अपने मालिक के हाथ में दे रहा है, और उसी के पैर के पास एक बड़ा सा कुत्ता बैठा, वो बैठ के से देख रहा है। तो वो कही आई कैन रिलेट कि जो नए लोग होते हैं ना ऐसे ही, दे आर जस्ट ईगर बीवर, मतलब दे आर वेरी रेडी रेडिली, मतलब बहुत ही एंथुसियास्टिक होते हैं, है ना, टू डू एनीथिंग। व्हाट इज ईगल आइज, सुनो ध्यान से, ईगल जानते हैं बेटा चील होता है, आइसबर्ग बेटा बड़े बड़े बर्फ के चट्टान नहीं देखते हो, आपने टाइटेनिक नहीं देखा, टाइटेनिक नहीं सुना, बड़ा सा चट्टान से तो टकराया था ना, आइसबर्ग से टकराया था, आइस का चट्टान जो होता है आइसबर्ग होता है। ठीक है, सुनो ध्यान से, नेक्स्ट ईगल आइस, बेटा ईगल अगर जानते हो ना चील होता है, चील आसमान से ही एक छोटा सा चूहा देखेगा और वो सीधा ऊपर से ऐसे झपट्टा मारेगा और सीधा चूहा पर ही आता है, मतलब उसकी आंखें कितनी तेज होती है। तो व्हाट इज ईगल आइस, बहुत शार्प आई साइट जिसका होता है, पैनी नजर, है ना, अ कीन एंड क्लोज वॉच। आपके मोहल्ले की जितनी आंटियां हैं ना, दे आर ईगल आइस ऑफ योर कॉलोनी, एक लड़की से दोस्ती कर लो पूरे मोहल्ले की सीसीटीवी कैमरा जो होती है ना वही होती है, है ना। ना व्हाट इज बर्ड आई व्यू, आपको पता है ये जो गूगल मैप होता है कैसे बनता है, वो बर्ड आई व्यू से बनता है, यानी ऊपर से वो पूरा कंप्लीट सैटेलाइट फोटो लेता है और वो पूरा रास्ता का एक कंप्लीट पिक्चर बना लेता है ना, दैट इज कॉल्ड बर्ड आई व्यू, ऊपर से एक सरसरी तौर पे नजर इज बर्ड आई व्यू, बर्ड आई व्यू इज ऊपर से डाली गई नजर, यानी जनरल व्यू, सरसरी नजर कह सकते हो, है ना, ये तो बहुत पैनी नजर है और ये सरसरी नजर कह सकते हो। क्लियर, नाउ अगर मैं कहूं कि कहां गया, आप कहोगे पता नहीं, द थीफ रन अवे, द थीफ फ्लेड इन अ हार्ट बीट, मतलब अगर चोर भाग गया और अगर वो कहेगा पुलिस कि ही जस्ट फ्लेड इन अ हार्ट बीट, इसका मतलब है जितने देर में दिल धड़कता है उतने देर में गायब, वही इन हार्ट बीट का मतलब याद करो, इन टू शेक्स, जितने देर में कोई मेमना अपना 2 बार पूछ हिलाता है, यानी कि इन नो टाइम, इमीडिएटली, इन नो टाइम, मैं इसमें आपका उसमें जोड़ देती हूँ, वोकैबुलरी हमेशा लाके सामने रख दिया करो, कुछ भी चेंज करना हो तुमको बुलाना पड़ता है, इमीडिएटली, इन टू शेक्स, इन नो टाइम, ठीक है, हो गया, चलो लास्ट पेज आ जाओ, हमारे एक्सका की बाकी जो लड़कियां हैं दिन भर वही फॉरवर्डेड मैसेजेस एक दूसरे को भेजती रहती हैं, इतनी खुश है अपनी लाइफ में, कोई टेंशन, ब्यूटीफुल मैसेजेस पढ़ पढ़ के या बोल बोल के भेज भेज, शांति भरी जिंदगी, सबने मैं अपनी लाइफ को झंडे बना के रख लिया यार। यू पोर योर हार्ट आउट, देखो ध्यान से, जब आप किसी फ्रेंड से मिलते हो, पुराने फ्रेंड से मिलते हो, यू जस्ट वॉन्ट टू पोर योर हार्ट आउट, मतलब अपने दिल की बातें बिल्कुल उड़ेल देना। ठीक है, रचना कह रही आप मेरी फ्रेंड बन जाओ बिकॉज यू आर माई ड्रीम गर्ल, बेटा ड्रीम गर्ल थोड़ी बनाते हैं, आपकी उम्र में अपने ड्रीम, अब जिसको ना मेरे सपनों का राजकुमार बनाते हैं,
है ना, प्रिंस बनाते। चलो देखो मेरे कमेंट्स पढ़ो और मेरे पैसे बढ़वाओ। अच्छा, टू वेंट योर फीलिंग्स, उसका मतलब होता है अपने दिल की भावनाएं व्यक्त करना। रचना, मैंने कहा तेरी लाइफ के लोगों से कि मेरे कमेंट्स पढ़ो और मेरे पैसे बढ़ाओ, तो इसका कहना है उनके कमेंट्स ही ब्लॉक कर दूंगा मैं, जस्ट इमेजिन करो। बेटा क्या बोल रहे हो ऐसी लड़की। अच्छा तुम लोग, ये तो मेरा है ना इसमें वो नहीं लगा हुआ है ना, तो जो बात करती तुम सबको सुनाई पड़ जाता है। सुनील, मैं अपने क्लासमेट्स की बात कर रही हूँ जो मेरे साथ मेरे स्कूल में थी यार, उन लोग के साथ अभी भी एक्स कामलाइट के ग्रुप है उसमें जुड़ी हुई हूँ। इन लोग की लाइफ इतनी मजेदार है ना यार, मैं क्या बताऊँ। डीडीएस टेनो में मेरा 140 आया मैम, मेरे से बड़ा यार विक्रांत पुराना स्टूडेंट है अभी। हाँ चलो, टू पोर योर हार्ट आउट, जैसे सुनो ध्यान से, वी मेट आफ्टर 10 ईयर्स, वी पोर्ड अवर हार्ट आउट एंड देन आफ्टर 2 आवर्स वी पार्टेड विद अ हैवी हार्ट, मतलब भारी मन से एक दूसरे से विदा लिया। देखो With sorrow, भारी मन से दुख के साथ, we parted, parted मतलब क्या हुआ, अलग होना, with a heavy heart, यानी भारी मन से हमने विदा लिया, ठीक है, clear? To follow your heart, कहते हैं कि यार दूसरों को देख के मत चलो, do as you wish, just follow your heart, जो आपका मन करे वो करो, to act according to one's feeling, यानी अपने लाइफ में just follow your heart, जो आपके दिल में आए वो करो, है ना, to wear your heart on your sleeves, मतलब यार दिल में जो बात है ना सामने है, I just wear my heart, कहाँ, on my sleeves, इसका मतलब है कुछ मन में नहीं छुपाता, to make one's feeling apparent, मतलब open, मतलब disclose करते हो, है ना। देखो दिनेश ने धमकी दे दिया, केडी लाइव को अनसब्सक्राइब कर देंगे अगर ऐसी बातें बोलोगे तो। हाँ सचिन, देखो सचिन का जवाब देखो, बट किसी के पास पोर्शे नहीं है। सचिन एक बात बताओ, लाइफ में पोर्शे सब कुछ नहीं होता यार, ठीक है, लाइफ में मैं सच कहूं, मैंने अपनी लाइफ में है ना इतनी सारी चीजें कर रखी है ना कि लाइफ को एकदम टोटली उलझा लिया। मुझे लगता है अगर मुझे मौत भी आएगी ना, मैं कहेंगे भैया रुक जाओ थोड़े दिन, 5 साल रुक जाओ, क्योंकि मैं एट द मिडल ऑफ समथिंग वेरी कंफ्यूजिंग हूं, इसलिए 5 साल बाद आना, मेरी हालत ऐसी रहेगी, मैंने इतना ज्यादा अपनी लाइफ को कंफ्यूजिंग बना लिया। इसीलिए सचिन कभी कभी आप लोगों को लगता है ना कि नहीं बहुत खुश होगी, कभी कभी मुझे जलन होती है अपने फ्रेंड से, पता है उन लोग को शायद मुझसे होती होगी, मुझे उनसे होती, क्योंकि उन लोग इतना आराम से अपने लाइफ में मस्त है, सब कोई छोटी छोटी चीजें एंजॉय करती है, छोटी छोटी चीजें, एक दूसरे के मैसेजेस, एक दूसरे के पोस्ट, मैं देखती हूं अच्छा इतना बड़ा